नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें आज की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में मौजूद रहेंगे, हरियाणा के रोहतक में मौजूद रहेंगे, जहां पर बीजेपी के विजय संकल्प रैली का आगाज होगा। तो विधानसभा चुनाव की हुंकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भरेंगे। हालांकि इससे पहले हमने देखा था किस तरह से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल लगातार जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे, लेकिन आज उस यात्रा का समापन है और उसी के लिए इस समापन के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और चुनाव का, विधानसभा चुनाव का बिगुल यहां पर फूंका जाएगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि अमित शाह और राजनाथ सिंह भी यहां पर जो रैलियां हैं, जो आयोजन है वो कर चुके हैं, यानी कि एक एक करके जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, जो रणनीतियां हैं वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन आज की बात बता दें आपको, रोहतक में पशु मेला ग्राउंड में कहा जा रहा है कि इस रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख कहा जा रहा है कि इस रैली में शामिल होंगे। लेकिन इस रैली की अगर खास बात आपको बता दें तो ये रैली जो है वो इको फ्रेंडली रहने वाली है। तो आपको बता दें कि प्लास्टिक मुक्त का नारा यहां पर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस रैली की जो शुरुआत है हम इको फ्रेंडली करेंगे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाली जितनी भी रैली होंगी उसका भी मकसद यहां पर यही रहने वाला है। यानी कि आपको बता दें कि जो पार्टी का झंडा होगा वो प्लास्टिक का ना होकर बल्कि कपड़े का होगा। इसके साथ ही जो पानी पीने का इंतजाम यहां पर किया गया है वो मटकों में किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में आज मौजूद रहेंगे, बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आगाज यहां पर किया जाएगा और एक नई रणनीति हरियाणा में बीजेपी की किस तरह से रहने वाली है इसका भी यहां पर साफ साफ अंदेशा भी दे दिया जाएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आर9 टीवी के साथ।